हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है या पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जो करंट है उसके दो इफेक्ट होते हैं, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे हमारा पूरा चैप्टर है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट इस चैप्टर में हम हीटिंग इफेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी हमने सर्किट लिया, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमने एक वायर ली, एक कंडक्टर लिया और उसको किसी बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। सपोज ए बी हमारा ये कंडक्टर है, तो यहाँ पे जैसे ही स्टूडेंट्स हम स्विच ऑन करते हैं और इस वायर में करंट फ्लो करता है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे या हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये वायर थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाती है, ये वायर गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब करंट फ्लो होने की वजह से ये वायर गर्म हुई है, क्योंकि जब तक हम इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करवाएंगे तो ये वायर एज इट इज़ जैसी है वैसी ही पड़ी रहेगी। इसके अंदर इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, बट जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे और इस वायर के अंदर करंट फ्लो करेगा तो ये वायर गर्म हो जाएगी, और इसी को बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट का हीटिंग इफेक्ट, यानी करंट की वजह से हीट का पैदा होना। तो जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो करेगा तो वायर गर्म हो जाएगी, जिसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। दूसरा, नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि ये वायर एक मैग्नेट की तरह भी बिहेव करने लग जाती है, इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर है, काफ़ी सारी इसके एप्लीकेशंस हैं जो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट की। तो हीटिंग इफेक्ट मैंने आपको जनरल बता दिया कि जनरल हीटिंग इफेक्ट किसको बोलते हैं, कि जैसे ही वायर के अंदर करंट फ्लो करेगा ये वायर गर्म हो जाती है, ये वायर गर्म हो जाएगी आपकी, और इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आइए ये चेक करते हैं कि ये वायर गर्म क्यों होती है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ सेल और अ बैटरी इज अ सोर्स ऑफ केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज यूज इन यूजफुल वर्क एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सर्किट। यानी स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारा सर्किट है तो सर्किट में जो एनर्जी का सोर्स है हमारे पास वो ये सेल या बैटरी होगी, जो कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाती है। तो इसके अंदर केमिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। वैसे तो देखा जाए कि यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी है स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। बट क्या होगा जब ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, यानी करंट की फॉर्म में आएगी और इस सर्किट के अंदर फ्लो करेगी, तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो तो काफ़ी सारी एनर्जी तो जो है वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, यानी जो इस सेल की एनर्जी होती है वो करंट को फ्लो करवाने में यूज हो जाती है, करंट को मेंटेन करने में यूज हो जाती है, और बाकी जो एनर्जी है वो इस सर्किट का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है। क्योंकि थोड़ी देर के बाद जब हम चेक करते हैं तो ये वायर जो है वो गर्म हो जाती हैं, तो यहाँ पे सर्किट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ये टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हुआ? ऑन द बिहाफ ऑफ दिस केमिकल एनर्जी विच वॉज स्टोर्ड इन द सेल और बैटरी। तो क्योंकि स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेल या बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी होगी वही आपकी हीट एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। आगे पढ़ते हैं, इन दिस सर्किट इफ द सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव देन मोस्ट ऑफ द एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट। अब यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ द सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, यानी स्टूडेंट्स अगर आपके सर्किट का रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें एक जनरल सर्किट की जिसमें एक वायर हम लेते हैं, यहाँ पे आपके पास बैटरी होगी, एक स्विच होगा और करंट यहाँ फ्लो करेगा, तो यहाँ पे आप इस सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं वी इक्वल टू आई आर से। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वायर है अगर वो कंडक्टर की बजाय किसी तरह का अलॉय है, क्योंकि हमारे पास तीन तरह के होंगे यहाँ पे मटेरियल। एक तो कंडक्टर होंगे जिनके अंदर करंट फ्लो कर सकता है, जिनका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। दूसरा, इंसुलेटर होंगे जो आपने पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़े हैं, तो इसलिए यहाँ पे डिस्कशन करने का ज़्यादा कोई इनका मतलब नहीं बनता है।
बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कंडक्टर आर दी मटेरियल्स विच कैन पास इलेक्ट्रिसिटी और जिनका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, इंसुलेटर आर दी मटेरियल्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और जिनका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है और इनके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर सकता, इनके अंदर से करंट फ्लो कर सकता है। बट यहाँ पे तो इंसुलेटर हम यूज़ नहीं करते हैं सर्किट्स में, कंडक्टर हम यूज़ करते हैं, बट कंडक्टर के बजाय हम अलॉय भी यूज़ कर सकते हैं, और अलॉय होगा आपका मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर, या मेटल्स का भी मिक्सचर हो सकता है, नॉन मेटल्स का भी मिक्सचर होता है, मेटल या नॉन मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है। तो ये जो एलोय है ये स्पेशली डिज़ाइंड मटेरियल होता है जहाँ से हमें डिज़ायर्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस मिल सके, और यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी ये वायर अगर हमने, ये ए बी वायर अगर हमने अलॉय की यूज़ की, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये जो सर्किट है इसको हम रेजिस्टिव सर्किट बोल सकते हैं या प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बोल सकते हैं। तो जैसे ही अगर सर्किट आपका प्योरली रेजिस्टिव होगा, यानी काफ़ी हाई रेजिस्टेंस अगर आपको वहाँ से मिलेगा इस सर्किट से, क्योंकि वी इक्वल टू आई आर से आप इसका रेजिस्टेंस बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो इफ द सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव देन मोस्ट ऑफ दी एनर्जी कन्वर्टेड इन टू हीट। तो यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी सेल हमें प्रोवाइड करवा रहा था ये वर्क में और हीट में कन्वर्ट हो रही थी, तो काफ़ी सारी एनर्जी ज़्यादा वर्क में कन्वर्ट हो रही थी और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही थी। बट अब क्या होगा, सर्किट के रेजिस्टिव होने से जो मैक्सिमम एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी सिंपल सर्किट को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे हीट आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, आपको ज़्यादा वहाँ पे गर्मी पैदा हुई नहीं मिलेगी। बट जैसे हमारे घर में जो हीटर होता है, अगर हम हीटर को ऑब्जर्व करें तो उसमें एक एलिमेंट लगा होता है हीटर में, और वो ऑन करने के बाद जैसे हम उसको अप्लाई करते हैं, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो वो रेड हॉट हो जाता है, उसके अंदर जैसे ही करंट फ्लो करता है तो वो रेड हॉट हो जाता है। तो वहाँ पे ये जो एलिमेंट है स्टूडेंट्स, ये अलॉय का बना होता है जो कि प्योरली रेजिस्टिव बोला जाता है, और इसी की वजह से जो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा या यहाँ पे जो एनर्जी हम अप्लाई करेंगे तो वो मैक्सिमम एनर्जी आपकी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आइए इसका डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं, मैथमेटिकली आप इस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। कि किसी भी सर्किट में अगर आपको हीट प्रोड्यूस्ड निकालनी है, यानी यहाँ पे हीट कितनी पैदा हुई, तो वो चेक करने के लिए, वो कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं कैसे किया जाता है इसको। देखिए स्टूडेंट्स, इफ़ वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, अगर वी हमारे पास, यानी कोई भी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है हमारे पास, ये दिस इज द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। तो V के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, यानी W बाई क्यू होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू वी क्यू, W इज इक्वल टू, यहीं से हम लिख लेते हैं W इज इक्वल टू वी क्यू, और दोनों तरफ हम T से इसको डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में दोनों तरफ T से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे हम T से इसको डिवाइड करेंगे तो W बाई टी जो है वर्क अपॉन टाइम, ये पावर बन जाती है, नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा है वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये पावर बन जाती है, और Q बाई टी जो है, Q बाई टी वो I के इक्वल होगा, यानी करंट के इक्वल होगा, तो P इक्वल टू वी आई। यहाँ से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो P है, पावर है, वो वोल्टेज इंटू करंट होता है, वोल्टेज इंटू करंट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट आप कह सकते हो, पी इक्वल टू वी आई। फर्दर देखिए, एज पी इक्वल टू वी आई देन पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, वापस से पी को हम डब्ल्यू बाई टी लिख लेते हैं यहाँ पे, डब्ल्यू बाई टी, और डब्ल्यू जो है वो हो जाएगा, ये टी इस तरफ चला जाएगा, तो डब्ल्यू जो है वो हो जाएगा वी आई टी। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वर्क है, क्योंकि हमने पहले ही बोला है डेफिनेशन में हीटिंग इफेक्ट की जो मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम वर्क है, वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से जो वर्क है वो हीट के इक्वल ही होगा, यानी वर्क एनर्जी दोनों सेम होते हैं आपके, तो वर्क है जो हीट के इक्वल ही होगा, तो W की बजाय हम इसको हीट बोल सकते हैं, तो इसको हम H लिख लेंगे यहाँ पे, और वी आई टी आपका एज इट इज़ रह जाएगा। फिर वापस से हम इसको चेंज करेंगे, V जो है वो आई आर के इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस,
यानी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी आई आर के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे वी की जगह आई आर पुट कर देंगे इस जगह पे, और जब हम इसको फाइनली फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से जो एच होगा वो आई स्क्वेयर आर टी के इक्वल हो जाएगा। एच एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, यानी जो हीट डेवलप्ड है इन द सर्किट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वेयर ऑफ द करंट के, रेजिस्टेंस के और टाइम के, यानी कितने टाइम तक आपने यहाँ पे इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करवाया है। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, यानी हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, दैट इज एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इसी हीटिंग इफेक्ट के ऊपर क्या क्या एप्लीकेशंस बेस्ड है आपकी, किस तरह से हम इस हीटिंग इफेक्ट को यूज़ करते हैं, वो एप्लीकेशन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरली यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर ओवन हीटर एंड सम ऑफ द फैमिली डिवाइसेस बेस्ड ऑन जूल हीटिंग, यानी हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं जिसमें इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को आप कैटेगराइज कर सकते हो कि कौन से जो अप्लायंसेज है वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं, कौन से अप्लायंसेज जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये भी आइडिया हो जाएगा। बट अभी के लिए जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिक आयरन यानी प्रेस होती है, टोस्टर होता है हमारे पास, ओवन होता है, हीटर होता है, और बहुत सारी दूसरी भी जैसे इलेक्ट्रिक कैटल हो जाती है, रॉड होती है हमारे घर में पानी को गर्म करने के, गीज़र हम यूज़ करते हैं, तो स्टूडेंट्स बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होती है। तो ये हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। तो इसमें दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपके सिलेबस में भी डिस्कस की गई है, जिसमें एक है इलेक्ट्रिक बल्ब भी एक ऐसी डिवाइस है स्टूडेंट्स, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हीटिंग इफेक्ट के ऊपर ही बेस्ड होता है, यानी जब बल्ब के अंदर करंट पास करता है तो ये हीट पैदा करता है और उसी की वजह से यहाँ से रोशनी पैदा होती है, यानी लाइट पैदा होती है, इसकी वजह से हम दूसरी चीज़ों को देख पाते हैं। तो बल्ब है क्या, इट प्रोड्यूस लाइट विद द हेल्प ऑफ हीटिंग फिलामेंट विच इज मेड अप ऑफ टंगस्टन हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस। यानी स्टूडेंट्स जो बल्ब है, जो जैसे सिंपल घर में हमने बल्ब देखा होगा आज के टाइम पे, वैसे एलईडी वगैरह हम काफ़ी सारी यूज़ करते हैं, बट बल्ब भी ऑलमोस्ट मिल ही जाता है हमें, बाकी लेस अमाउंट में हम बल्ब यूज़ करते हैं आज के टाइम पे, बट फिर भी सबने बल्ब देखा ही होगा या देख रहे होंगे अपने घर में। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है स्टूडेंट्स, बल्ब के अंदर आपने एक फिलामेंट देखा होगा, या मैं यहाँ पर मैंने बल्ब का एक पिक्चर भी ड्रॉ किया है, ये आपका बल्ब है और इसके अंदर इस तरह से एक फिलामेंट लगा होता है। तो यहाँ पे ये बल्ब क्या काम करता है स्टूडेंट्स, इट प्रोड्यूस लाइट, ये लाइट पैदा करता है विद द हेल्प ऑफ हीटिंग फिलामेंट की हेल्प से, विच इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। तो जो ये फिलामेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे टंगस्टन मटीरियल का बना होता है, हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा होता है, एक स्प्रिंग की तरह बिल्कुल पतला सा बारीक सा आपको यहाँ पे फिलामेंट दिखाई देगा इस बल्ब के अंदर, और बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो आप देखते होंगे कि ये जो फिलामेंट है वो ब्रेक हो जाता है, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि ये बल्ब फ्यूज़ हो गया है। बट स्टूडेंट यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट वैसे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो टंगस्टन का ये बना होगा, तो इस तरह से जैसे ही करंट इसके अंदर से पास करेगा तो हीट पैदा होगी और उसी हीट की वजह से ये आपको रोशनी देगा। तो बल्ब का ये काम है जो कि हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करता है। तो बल्ब के अंदर हमने जैसे देखा यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये आपका फिलामेंट होगा, इसको फिलामेंट बोलते हैं, जो टंगस्टन का बना होगा। दूसरा, बल्ब के अंदर गैस भी फिलअप की जाती है, जैसे ही बल्ब को आप तोड़ के देखते हैं तो एकदम से आवाज़ आती है, जैसे बैलून के फटने की आवाज़ आती है तो उसी तरह से बल्ब के टूटने की भी आवाज़ होती है। तो इसके अंदर गैस फिल की जाती है, गैस कौन सी होगी यहाँ पे, इनएक्टिव आर्गन एंड नाइट्रोजन गैस, यानी आर्गन और नाइट्रोजन इसके अंदर फिल की जाती है टू प्रिवेंट फिलामेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन, यानी
जो फिलामेंट आपका लगा है, टंगस्टन का फिलामेंट यहाँ पे लगा है, उसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, या आप ये बोल सकते हैं कि उसकी लाइफ को लॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि अगर फिलामेंट आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा जल्दी से तो टूटने का खतरा ज़्यादा बना रहता है उसमें, तो इसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए यहाँ पे हम आर्गन और नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। दूसरी जो एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स हमारे सिलेबस में है, वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है? अ फ्यूज़ प्रोटेक्ट द सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनड्यूअली हाई इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट्स आज के टाइम पे आपने अपनी होम सर्किटरी यानी घर में जो सर्किट्स हैं, घर में जो फिटिंग की गई होती है, उसमें भी देखा होगा कि बोर्ड के साथ में एक स्विच और लगा होता है जिसपे जनरली फ्यूज़ लिखा होता है, या दूसरी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आती हैं जैसे घर में स्पेशली जो इन्वर्टर होता है उसके पीछे भी एक फ्यूज़ लगा होता है, आपने देखा होगा। तो जनरली जब हम उसको निकाल के देखते हैं फ्यूज़ को, उसमें एक ग्लास के बॉक्स में एक वायर लगी होती है जिसको हम फ्यूज़ बोलते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट अभी क्योंकि एज ए एप्लीकेशन हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो जनरली फ्यूज़ क्या है? फ्यूज़ स्टूडेंट्स एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा कंपोनेंट है, अ फ्यूज़ प्रोटेक्ट दी सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, यानी जो फ्यूज़ है, अगर आप फ्यूज़ को सर्किट में यूज़ करते हैं, किसी सर्किट में अगर हम फ्यूज़ को अप्लाई कर देंगे तो वहाँ पे ये फ्यूज़ जो है उस सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, या किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को, जैसे आप घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लेके आते हो उसके अंदर भी जैसे ओवन है या मैंने इन्वर्टर बताया वो है, तो उसके अंदर भी एक फ्यूज़ लगा होता है जो कि आपको हाई इलेक्ट्रिक करंट से बचा लेता है। यानी पहले क्या होता था स्टूडेंट्स, जनरली कई बार घर में जो करंट है या पोटेंशियल डिफरेंस उसकी वैल्यू एकदम से ज़्यादा हो जाती थी, यानी उसमें एकदम से जंप आ जाया करता, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी डिवाइसेस जो है वो ख़राब हो जाती थी। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर एकदम से करंट ज़्यादा आ जाए तो जो डिवाइस है उसके जलने का, डैमेज होने का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है। बट इस फ्यूज़ के यूज़ करने से वो फ्यूज़ आपका जो है वो सर्किट को ब्रेक कर देता है उसका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, और आपकी जो डिवाइस है वो सेफ रह जाती है। तो इस फ्यूज़ का यूज़ क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। इट इज़ अप्लाइड इन सीरीज इन दी सर्किट, यानी जो फ्यूज़ है स्टूडेंट्स उसको हम किसी भी सर्किट में सीरीज में अप्लाई करते हैं। इट इज़ अ पीस ऑफ वायर मेड अप ऑफ मेटल और अलॉय ऑफ एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। ये एक वायर का टुकड़ा ही होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम जो कि मेटल का भी बना हो सकता है और अलॉय का भी बना हो सकता है, जिसका अपना एक एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी किसी भी सर्किट में जब हम इसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का को ऑब्जर्व करके ही वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, ईटीसी, जो कि आयरन का भी हो सकता है, कॉपर का भी बना सकते हैं, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है और लेड का भी हो सकता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने हीटिंग इफेक्ट को भी, यहाँ पे फ्यूज़ को हम ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में फ्यूज़ हमें काफ़ी लार्ज स्केल पे डिस्कस करना है, बड़े स्केल पे डिस्कस करना है, तो यहाँ पे सिर्फ हम यही डिस्कस करें कि एक्चुअली फ्यूज़ क्या होता है। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि डिवाइसेस को सेफ करने के काम आता है, और ये सीरीज में अप्लाई किया जाता है, ये वायर का एक टुकड़ा ही होता है जिसका अपना एक अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जो कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड का किसी का भी बना हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को और उसकी एप्लीकेशंस को। थैंक यू।